जोर से। हाँ हाँ और जोर से। हाँ जोर से, इतनी ताकत है खाली बस। हाँ सब देख लिया मैंने कहाँ से आया था कैप, तेरी जबानी बयान कर। झकड़ लो उसको तेज एक साथ में। क्या करूं ते, दो टुकड़े कर दूं क्या? हाँ क्या जमीन में गाड़ू? हाँ जोर से जोर से, पूरी ताकत लगा, सबको दिखना कितनी ताकत है। कब मारने वाला था अम्मास में पुन्नम में? हाँ कब मारो बोले थे, कब मारो बोले थे? हाँ कब मारो बोले, तड़पा तड़पा के मारो, परेशान करके मारा, जोरू में झगड़े लगाओ बोले। वारे क्या कर रहा था, बहुत लड़ाई लगा रहा था। हाँ फिर ऐसा तड़पा तड़पा के मारने वाला था, इसके घर से कितने लोगों को मारने वाला है और? हाँ हाँ कितनों को लगा और जोर से, कितनी ताकत है तेरी, पूरी लगा लगा पूरी ताकत। जलाओ उसको नालायक, आग लगा दो उसके अंदर, जलाओ उसको तेजी से, जलाओ कमबख्त को तेजी से। सुने नहीं आ रहा मुझे कुछ भी, सुने नहीं आ रहा कमबख्त, तेरी कोई आवाज सुने आ रही उसको, जब तक उन्हें लगेगा नहीं ताकत उसको मारते रहो कमबख्त को, जलाते रहो उसके अंदर आग लगा दो, उसके दो टुकड़े करूंगा मैं उसके। क्या करूं, मार दूं क्या? हाँ सुन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा बे, सुने मुझे कमबख्त, शैतान है तो पूरी ताकत लगा के बताती रही, खबीस के बच्चे जिन्नात है खबीस है। हाँ कौन है बे, कौन है बे, चलाओ उसको कमबख्त को। हाँ कौन है, कौन है, कहाँ से लाए थे रे? शमशान से लाए थे, कब्रिस्तान से लाए थे। लगाओ इसके अंदर तेज से आग, लगाओ इसको, चलाओ उसके अंदर से आग, भड़काओ तेज से। चलाओ इसके अंदर से आग, लगाओ उसको, जेर कर दो उसको कमबख्त को, हलाक करो उसको, बहुत मस्ती चढ़ी उसको, हलाक कर दो उसको, जकड़ जकड़ तेजी से जकड़ लो उसको और तेजी से, जकड़ो उसको और तेजी से, जकड़ो जकड़ो तेजी जकड़ लो, लाओ बाहर से जंजीरा और तेजी से, जकड़ो उसको तेज एक साथ में जकड़ लो, छोड़ना कि नहीं छोड़ना तुझे बोल, अब जकड़ लो उसको और तेज एक साथ में जकड़ो, उसके हाथा काटने वालों को बुलाओ, उसके दोनों हाथा काट के ले लेंगे, दोनों हाथा काट के ले लेंगे, उसका भस्म कर देंगे, जकड़ लो उसके हाथों को, जकड़ो उसके हाथों को तेज एक साथ में, जकड़ो उसके दोनों हाथा, जकड़ो फिराओ उसके हाथों को, जकड़ के तेज एक साथ में फिराओ उसके हाथों को और फिराओ, तोड़ के ले लेंगे काट के दोनों हाथा, सुने नहीं आ रहा मुझे, काट देंगे दोनों हाथा, जकड़ो तेज एक साथ में, काट लूं दोनों हाथा, काटूं ले लेता काट के अब दोनों भी, जकड़ लो उसके हाथों को और तेज काट लेंगे वो हाथों को,
चल बोल फिर कब मारने वाला था उसको अम्मास में पुन्नम में, जल्दी बोल, मैं तो बाहर से बुला रहा हूँ, देख तेरे हाथ काटने वाले, बुलाऊ? चलो वो दरवाजे खोल के पकड़ दो, मिनट बुलाओ बाहर से तेज के भस्म कर देता हूँ, बुलाओ बाहर से उसके हाथ काटने वाली फौज को, जकड़ लो उसके हाथों को तेज एक साथ में, जकड़ो जकड़ लो उसके दोनों हाथों को तेज एक साथ में, बुलाओ बाहर से तेजी से बुलाओ फौज को, उसके हाथ काट के ले लेंगे दोनों, बोल काट के लू क्या छोड़ू, हाँ छोड़ू के नक्को, छोड़ू के नक्को, छोड़ने का, हाँ फिर नामा बोल मेरे को सही से, नहीं बोलता नहीं बोलना पड़ता, हाँ ठीक है फिर वो हाथा काट लेता मैं, बुलाओ बुलाऊ बुलाओ इसके हाथा काट के लेने की तैयारी करो तेज के साथ में दोनों भी, जकड़ लो उसके हाथों को, अब काटने की तैयारी करो, हाँ जकड़ लो उसके हाथों को तेज के साथ में, कतर दूं, जकड़ो 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 तेज जकड़ लो, हाँ बस बंद कर दे, हाँ जकड़ो 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 तेज जकड़ो, हाँ चल बोल, कहाँ से लाए थे, शमशान से, कब्रस्तान से, कब्रस्तान से, औरत ही आदमी था, नाम मत बोल श्री, मैं जो पूछा वो बोल, औरत ही आदमी था, आदमी, अच्छा ये इसके रिश्तेदार माँ के तरफ के थे, बाप के तरफ के थे, क्या इसके ससुराल के तरफ के थे, कहाँ के थे, मालूम नहीं, जो ला के डाले दुश्मना कहाँ के थे, नहीं मालूम, इसके मायके के थे ससुराल के, नहीं मालूम, शमशान से लाए कब्रस्तान से, कब्रस्तान, अच्छा कितने पैसे दिए थे जादूगर को, मालूम नहीं, तड़पा तड़पा के मार दे बोला उन्होंने, हाँ। और क्या बोला था, बर्बाद करना, हाँ और बर्बाद कर, हाँ और बर्बाद कर, अच्छा और बर्बाद कर, बर्बाद और बर्बाद 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 कर, हाँ तूने पूरा बर्बाद कर दिया उनको, आज तक पूरा पूरा बर्बाद किया मैंने उसको, हाँ हाँ और उसका कुछ भी बाकी नहीं रखा मैंने, अच्छा फिर कब मारने को बोले थे, पूरा बर्बाद करने के बाद मार दे बोले थे मौका देख के, अम्मास में पुन्नम में, अच्छा बीमारी डाल के मारने वाला था, एक्सीडेंट करके मारने वाला था, क्या उसके हाथ से उसकी जान निकालने वाला था, बीमारी कौन सी, बुखार, कौन सी, बुखार बुखार, अच्छा और उसे घर से किस किस को मारने वाला था, मरद को, बच्चों को, किस को, मरद को, कैसा मारने वाला था, एक्सीडेंट, कैसा, एक्सीडेंट से मारने वाला, अच्छा एक्सीडेंट, मौका देख के, अम्मास में पुन्नम में, अम्मास, और बच्चों को, बच्चों को भी, कैसा, एक्सीडेंट, अच्छा वाह रे तेरा दादा गिरा चल रहे, क्या रोड पे नहीं निकलने देता, लोगों को घृणा करके मार देता वैसा, क्या दुश्मनी थी, जमीन जायदाद की, कुछ भी नहीं, जल के चिड़ के, तो बात तो बात तो बात, कमबख्तो नालायको, कब सुधेंगे रे बेगैरतो, कितने साल से, कितने साल से उसके आंख पे, 5 साल से, क्या क्या तकलीफ दे रहा था, और 5 साल से उसको पूरा बर्बाद करया, अच्छा उसकी नसल बिगाड़ा, क्या करा, उसकी नसल भी बिगाड़ा, क्या करा, इन लोग की दौलत नहीं दिया उसको, अच्छा उसके बच्चे पढ़ने थे मदरसे में, उसके बच्चों का इन मची दिया मैंने, अनपढ़ बना दिया सब, बाप कचरा चल रहा है तुम्हारे, बच्चों को पढ़ने भी नहीं दे रहे, तो बात और क्या करा, बहुत कुछ करता हूँ रे मैं, चुप छोड़ नहीं छोड़ते रे, कम बखत कैसा छोड़ेंगे तेरे को, किसकी हुकूमत, किसके मनमाना चल रहे, तेरी चाहिए क्या, हाँ फिर छोड़ते तेरे को, आप नहीं नहीं छोड़ते, छोड़ जकड़ लो उसको और तेज से, नहीं छोड़ते,
कितने लोगों को मारा अभी तक? मैंने किसका अभी तक नहीं किया अभी तक। ये तो लोगों को करने वाला था। जादूगर क्या क्या नाम है वो जादूगर जिसने तुझे उठाया और भेजा, तो उसका क्या नाम है? मेरे को नहीं मालूम। एक खाली लोगों की जाना लेना मालूम क्या? हाँ। बकरी के मुंह के जकड़ के रखो उसको और तेज जकड़ लो उसको जंजीर डाल के सब। इसको जो खिलाए तो कहीं में मिला के खिलाए थे? क्या नाम है इनका? कलीमा। कलीमा भी को कहीं में मिला के खिलाए थे? मीठा। किस चीज का था वो? पता नहीं। कौन लाया था? उसके माँ के तरफ के लोग आते हैं क्या? ससुराल के थे? ससुराल। बारे ससुराल के लोग आते कितने? वो चार है, दो है, एक है, पांच है, कितने मालूम नहीं। मार दे रहे इसको, मार दे रहे, सारी शक्ति खत्म कर दो अंदर से, मार मार के। छूट सकता तू? एक बार भी नहीं छूट सकता तू। जकड़ लो उसको और तेज से। नाला नाक बंदी से ये कि तेरे बाप दादा भी आ गए तो तुझे बचा नहीं सकते। जकड़ लो उसको और तेज से। जकड़ो उसको और तेज से। बोल अब तेरे साथ क्या सुलूक करना हमने? क्या सुलूक करे तेरे साथ में? तेरे हाथ काट के ले लू क्या मैं दोनों? और बाहर टांग दू क्या वो दोनों हाथों को काट कर? क्या तेरा धड़ अलग और मुंडी अलग कर दू? को बाहर काट के टांग दूंगा तो कितने लोग आ रहे जा रहे उनकी गिनती करते रहना। सारे पेशेंटों की गिनती करना, कितने आए गए साल भर का रिकॉर्ड मेरे को बताते रहना। गिनती करना, काट के टंगा दू बाहर। फिर क्या सुलूक करना तेरे साथ में? सुने नहीं आ रहा मुझे, नहीं आ रहा सुने च नहीं आ रहा बिल्कुल। जुलुम देने वालों की आवाज सुनी नहीं आती मुझे। जकड़ो उसको अंदर से और आग लगाओ उसके अंदर, जलाओ जलाओ उसको कम्बल पर। जकड़ लो उसके हाथों को जरा तेज के साथ में जकड़ो। उन्हें जुलुम दे रहा उन्हें, जकड़ो उसके हाथों को। मैं लोगों को जुलुम नहीं दे रहा, इन्हें कैसा जुलुम देता? मेरा चल रहा राज पर, मैं जुलुम दे रहा नहीं। ये कमबख्त कहां से आया जुलुम देने को? जकड़ो इसको और मारो खुद। मेरी इजाजत लिया था तूने जुलुम देने से पहले लोगों को? फिर कैसा जुलुम देता तू किसको भी? फिर जादूगर ने भी मेरी इजाजत नहीं लिया जुलुम देने से पहले? फिर कैसा तुम जुलुम दे सकते किसको भी? नहीं देता। नहीं तुझे तो नहीं छोड़ता हूँ। नहीं देता। क्या समझ के आया था तू यहाँ? मेरे को नींबू काटने वाला समझा था? नहीं। छोटा मोटा इलाज वाला समझा था? नहीं। जकड़ो उसको और तेजी से।
इधर के रास्ते को भी नहीं आंदा रहा था करते तू ये लोगों को, नहीं उधर का उधर भगाने की कोशिश कर रहा था, कई सालों से इधर आने नहीं दे रहा था उनको, कई महीनों से अड़थड़े डाल रहा था उनके रास्ते में लाके इधर नहीं आ रहा है ना। कैसा छोड़ूंगा तुझे मैं, कैसा छोड़ू मैं वो सोच रहा हूँ, मेरी इजाजत के बगैर मेरे हुकुम सकते कम वक्त नहीं। उसके बच्चों को पढ़ने नहीं दिया तूने, उसके मरद को मार देने वाला, उसको मार देने वाला, कितना जुलुम हो रहा है। मेरी इजाजत दिया था तूने जुलुम देने से पहले, फिर जादूगर ने भी लिया था नहीं। फिर कैसा मुझे बोला आला था जा उसके बीवी को उसके शोहर को मार, उसके बच्चों के पाने में डरा दी डाल, उसके बेटी का क्या, उसके बेटी का हाँ, क्या? अरे शादी भी नहीं होने दे रहा, हो गई शादी। अच्छा क्या कर रहा था, तोड़ाने वाला था उसकी मरद में, उसमें झगड़े लगा के बेटी का भी संसार नहीं होने देना था, उसके पूरे घर पे मैंने जादू चला, मैं 5 साल से उसके साथ हूँ। अच्छा कहीं में कहीं मिला के खिलाया सबको, सब खाने में मिलाता था, रोज मिलाता था। अच्छा रोज रोज मैंने खाने में मिला मिला के खिलाया उसको, उसको बर्बाद करके डाला। दुश्मनी कुछ भी नहीं, चुपीच अल्लाह अकबर, चुपीच लोगों की जिंदगी खराब कर रहे। ऐसे परमिशन लिए थे तुम लोगों ने नारा वो जमीन पर कम वक्त कर चल रहा किसी भी जादू उड़ाने करने को, जकड़ के रखो उसके हाथों को और तेजी जकड़ लो उसके हाथों को, जकड़ो उसके हाथों को और तेजी से, पूरी ताकत लगाने के बाद भी उसके हाथ हलना नहीं, ऐसा जकड़ो उसको तेजी से। छोड़ो मत, मैं छोड़ने का हुक्म नहीं दिया, उसको जाने मत दो उसको, अभी उन्हें वैसा कैसा जा सकता मेरी इज्जत लिए बगैर। बोल रहे अब क्या करूं सुलूक तेरे साथ, झगड़ा उसको और तेज़ सही, लाओ गरम करके सुबह लाओ और उसके निकालो हाथों में डाल के आर पार निकालो, सलाखों को गरम करके लाके डाल के अंधार की वजह से गरम करके लाओ, सलाखों को पार उसके हाथों से डाल के निकालो, दे दे वो हाथ हम आपको, दे दे वो दोनों हाथ हमको, क्या करूं छोड़ू के हाथ ले लू दोनों तेरे, कैसा दिखेगा तू तेरे दुनिया में फिरेगा बगैर हाथों के, तो कैसा सब तेरी हंसी उड़ेंगे, इसके हाथ कहाँ चले गए, फिर कैसा रहेगा तेरा आलम, माजूर हो जाएगा तू दुनिया में, बाद में सब लोग बोलेंगे सुल्तान का कहर नाजिल होगा इसके ऊपर, सुल्तान ने जुलुम तो नहीं करे इसके ऊपर, जुलुम नहीं करता मैं किसी के ऊपर, कमबख्त तू लोगों पे जुलुम कर रहा, तो लू काट के हुकुम दो फरमान, लाओ सलाह के गरम करके लाओ उसके हाथों में, छोड़ना क्या नहीं छोड़ना तुझे बोल, सुनने नहीं आ रहा, सुनने नहीं आ रहा मैं बिल्कुल, छोड़ू तो बता बकर उठा दो ना हाथ ऊपर, हाँ मार मुंह पे, तो बात सुने ना मुझे इतने दम से, तो बात सुने नहीं आ रही मुझे, जोर से बोल कमबख्त तोबा, क्या सतंगा लोगों को लिंगा लोगों के जाना, देखा ना कौन है हुकूमत पे तो कमबख्त नालायक, किसकी मनमानी चल रही है,
दुनिया तेरे बाप की है, अल्लाह की दुनिया है। अल्लाह ने क्या बोलते, अल्लाह का निजाम चलता दुनिया में, क्या मनमाने आई ऐसे। चल अब तोबा तोबा कर। क्या नाम था तेरा मरने से पहले, क्या था? तू जिन्नात की नस्ल से, इंसान की नस्ल से, बदरूह में से है? ठीक है, चल तोबा तोबा कर। अब तू जाता के मेरे पास गुलाम बन के रहता। हाँ चल बोल, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से मैं गुलाम हूँ सैयद टीपू सुल्तान का। आज से मैं टीपू सुल्तान की फौज में शामिल हूँ। मैं गुलाम हूँ हुसैन इब्ने अली का दरवा, उनके चौखट का गुलाम है तू। हजरत अली का पोतरा हूँ मैं, नाला। देखा ना कैसी ताकत दी अल्लाह ने, तो आज भी दुनिया में मनमाना तुम्हारे बाप के चल रहे क्या कम वक्त हो। अब आज से तू लोगों की खिदमत करेगा, खिदमत खल्क में लगेगा। और जो कोई भी बोल सैयद टीपू सुल्तान के बारे में बुरा सोचे या उनके बारे में कुछ साजिश करने की कोशिश करे तो उन पे हमला करेगा तू जाके, उनको एक्सीडेंट करके मारना। वैसे लोगों को दुनिया में जीने का हक नहीं है जो अल्लाह वालों के रस्ते में लाके कांटे डालने के बारे में अगर सोचे भी तो। समझ गया ना, बिंदास आदेश रहेगा मेरा। जो भी मेरे खिलाफ अगर एक लफ्ज भी बोला तो फौरी उसके घर पे जाके हमला करना, उसके बच्चों पे, औरत पे, उसके जो मिला उस पे, उसके खानदान के बच्चे, औरत, बेटी, बहन, उसकी जो भी, और उसको भी गाड़ी समेत उठा के नदियों में डाल देना। समझ गया ना। हाँ किसका गुलाम है अब तुम? शबाश, होशियार शैतान है, बहुत ज्यादा जल्दी वो हो गया, सब बातें याद हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और अब नमाज पढ़ना सही तरीके से सीखना, सही तरीके से इबादत करना, समझ गया ना। तुझे नेक जिन्नातों में शुमार किया जाएगा और फौज में शामिल रहना। और जो कोई भी मेरे बारे में लोगों के जहन पढ़ने की ताकत तो अल्लाह ने तुम लोगों को दिया लिए, जो कोई भी जहनों में साजिशें रख के या कुछ भी हरकतें करने की कोशिश कर रहा और उनके ऊपर मेरा कहर बन के नाजिल होना अल्लाह के हुक्म से। समझ गया, चल वादा है बोल मेरा, ये वादा कर। वादा, वादा। किसका गुलाम? चल जा बाहर, जा खड़े हो जा, चल जा। कलीमा, कलीमा, कलीमा भी, ओए कलीमा भी। अरे क्या हुआ जी, क्या देख रही, क्या हुआ तुम कहाँ से आए थे? ये कौन है पीछे बड़े वाले, कहाँ से आए? कुछ याद है क्या? सवाल जवाब के वाले क्या हुआ यहाँ, कुछ याद है क्या? इतनी बारिश कहाँ से, पानी का सब वो खैर अनज्ञान पे आके बोला सब दास्तान। मैं नाम अभी नहीं पूछा, नाम इंशाल्लाह दूसरे चक्कर तक पूछूंगा, नाम मैं मेरी इससे कैसे पूछूंगा। जब ये लोग बोलेंगे कौन करा पूछाओ फिर मैं पूछूंगा, मगर ये सब गलत दास्तान है, दूसरे पर जादू टोने करना बहुत बुरी बात है। माई मनमाना कर रहा नहीं, तुम लोग क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, चुप मनमाना करते बैठे एक दूसरे में जादू टोने करे क्या है, ऐसे ऐसे अच्छी बात नहीं है। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। गलत बात है,
और जिन्नात और शैतान की कोई औकात नहीं अल्लाह कलाम के सामने, कोई 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 लेना ले क्या है अल्लाह वालों के सामने तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बार बार पूरी दुनिया से भी मुखातिब हूँ, ये कह रहा हूँ तुम लोगों से कि सुधर जाओ और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो। इबादत की रस्सी को तुम मजबूती से थामेंगे तो अल्लाह तुम्हारे को सब ये बातों से महफूज रखेगा। और ये देखो कि ये सारी दास्तान इतनी क्यों दिया अल्लाह ने, कैसा शैतान ज़ेर हो जाता, मैं तो कोई अमल सीखा नहीं कुछ नहीं, तुम जो पढ़ रहे मैं भी वो पढ़ रहा हूँ। ये अल्लाह ने हुसैन की हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलादों में से है, बल्कि से रुतबे से मर्तबे अता करे अल्लाह, तो वो भी इबादत तो करा मैंने। इबादत का तो बहुत सारी इबादत बयान तो नहीं कर सकता मैं, कितना पढ़ा क्या पढ़ा, मगर फिर भी ये सब शैतान और जिन्नात उसका अदब करते किसका, जो आले रसूल औलाद अली है रज़ी अल्लाह तआला, तो उनका बहुत ज़्यादा अदब और एहतराम करती। जाते जादू टोने की कोई औकात नहीं हमारे दर के सामने, सब ज़ेर है अल्लाह के हुक्म से, मगर तुम लोग एक दूसरे पे चला के तुम अपनी आखिरत अपने हाथों से ख़राब कर ले रहे, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, मैं बयान नहीं कर सकता। तुम लोग लामहदूद ज़िंदगी के बारे में सोच रहे, मर जाने के बाद की जो ज़िंदगी स्टार्ट होती, तुमको डबल से फ़ायदा किया जाएगा, डबल से भूंगा, बहुत सारे बातें मैं तुम अभी सारे तफसीर तुमको खुद मालूम है, मैं सुना के क्या मतलब है, तुम उसे मुद्दे के बाद इतने बोलूँगा कि नहीं करना। और दूसरी बात, जो भी लोग हैं दुनिया में सब इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, कुरान पढ़ो, दुआ पढ़ो, हदीस पढ़ो, खाने से पहले दुआएं पढ़ो, हर चीज़ की दुआ याद रखो, दुआ मोमिन का हथियार है, इसलिए बोले अल्लाह कि दुआ मोमिन का हथियार है। तुम अगर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं पढ़ेंगे हर चीज़ में तो तुम महफूज रहेंगे, किसका कुछ जाता नहीं। नहीं पढ़ेंगे तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी, जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, किसका क्या देंगे फिर, इसलिए समझो। और मेरे को बहुत तजुर्बा बोल के मैं बताता, मेरे को क्या क्या दिखाया अल्लाह ने, क्या क्या बातें हैं मैंने देखा, वो तुम मैं थोड़ी उत्ते खुल के बयान कर सकता। इसलिए इल्म तो बहुत, इल्म का समंदर में डूब के निकाला अल्लाह ने, उसमें बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं बयान नहीं कर सकता कितना इल्म दिया क्या दिया, मगर मेरे को जो दिखता हूँ तुम्हारे वो दास्तान बता रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल में देखा और दुनिया को भी बताया वो भी दास्तान तुम्हारे को बता रहा हूँ, मैं कहानियाँ और किस्से नहीं सुना रहा हूँ किताबों में के पढ़ के। इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करना, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। तुम किसी पे हक पे किसी को परेशान कर रहे, बात अलग है, शरीयत जहाँ इजाजत देती वहाँ करो तुम, शरीयत अगर फिर भी तो वैसा मत करो जाके गलीज जादूगर के पास में, शरीयत इजाजत दे रही तो फिर तुम कुरानी ताकत की वार मारो, बद्दुआ का वार मारो उसके ऊपर, सबसे खतरनाक है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कौल है, आप फरमाते हैं कि जमीन और आसमान के बीच में दुआ को रोक दिया जाता, दुआ के साथ में अगर दरूद शरीफ नहीं है तो उसको अर्शी लाई भी नहीं जान देते, जमीन आसमान के बीच में रोक देते, अगर उसके साथ में दरूद शरीफ रहेगा तो ही वो अर्शी लाई पर जा सकती, और बद्दुआ एक ऐसी चीज है कि डायरेक्ट अर्श पे चली जाती, उसको कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पास इतना बड़ा हथियार है दुआ और बद्दुआ का, वो करो ना, ये से हरकतें करके क्या मतलब, ये रूहानियत पे वारा मार रहे, जादू डोने का बहुत गलत बात है। चलो अल्लाह का इन्हें सुनने से ज्यादा सब अमल करने की तौफीक दे, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। कहां से आए थे? लातूर से। अच्छा, इससे पहले हाजिर हुआ क्या अंग पे? नहीं हुआ। कभी? कभी नहीं हुआ। इलाज करे कहीं पे जाके? राजापुर करे। कहां कहां गए थे? जैसा हिंदू मुसलमान सब नहीं, नहीं, मुस्लिम नहीं, के पास नहीं, पास नहीं जाते हुए। फिर क्या बोलते तो वहाँ कहीं हाजिर हुआ? हाजिर नहीं हुआ, नाम नहीं बताया खाली, बस इतना छोटा था। अब यहाँ कितने बार आए थे तुम? एक ही बार, पहली मरतबा आए। पहली बार में हाजिर होगा? पहली बार। देखो ऐसा होता, सबकी अलग अलग दास्तान रही थी, अभी इनका ऐसा मसला है कि इनका पांच साल से फिर कहीं हाजिर नहीं हुआ, कुछ नहीं किया नहीं, अरे यहाँ आते एक मिनट में हाजिर हुआ, सामने सब बोला, खाली मैंने नाम इस वास्ते नहीं पूछा, वो आगे पूछूंगा बोल के, बाकी तो सारी तफसीर पूछा दिया, पूरा सब है उसमें। और दूसरी बात, घुटनों तो बयान कराना तुम्हारे मालूम नहीं, तुम्हारे आंग में आके भी क्या क्या सवाल जवाब है, तुम वीडियो देखने के बाद मालूम है, तुम्हारा कुछ मालूम क्या भी है क्या क्या हुआ, तुम कुछ भी नहीं। हाँ तो तुम बाद में, वो इनको कैसा है जब उन्हें आता पूरे तरीके से तो वो सवाल जवाब होते, पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता क्या हो रहा क्या नहीं, तो बाद में जाने के बाद वो शायद पेशेंट तो बोलता मेरे साथ, अभी इंशाल्लाह इनका जब इन्होंने वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा क्या हुआ। तुम्हारा वीडियो देखने की वजह से हम अचानक निकले वहाँ से, फिर फोन लगाए सुबह से, फोन उठाए नहीं, पानी भी नहीं देता, रस्ते में अड़थड़े डाल रहा था, बोला बहुत पहले से भी अड़थड़े डालने की तैयारी कर रहा था, इधर के रस्ते में अंधेरा था, रुका रहे थे, खुद भी मैं वैसा टू व्हीलर रास्ते में लगा के ड्राइव किया। अच्छा अच्छा, तो ये ऐसे हरकतें करते बुलाए शायद ना, उससे पहले तो उन्होंने बोले कहीं क्या हो रहा, थरथर हो रहा पूरा जिसमें, अब करा देना पूरा राइट करा दे, अल्लाह के हुक्म से तो पूछा दिए। और पहली बार हाजिर हुआ उनका, उन्होंने बोल रहे इससे पहले कहीं नहीं हाजिर हुआ, यहाँ आते थे हाजिर हुआ अल्लाह के हुक्म से। तो ये अल्लाह के कलाम की सी दास्तान है और बहुत सारी बातें हैं,
और घराना भी तो इतना बड़ा है, बयान नहीं कर तुम क्या बोलोगे घराने की ताजीम और तारीफ। तो वही करबला में लुट गया घराना मोहम्मद का, मगर लुट के भी पूरी दुनिया पे हुकूमत आज भी उनकी से, अल्लाह ने रखे अली वही घराने की, कि आज भी उनके इधर से सबको फैज देता। तो खैर अल्लाह के हुक्म से देखो ये ऐसे बातें रहती है, जादू टोने कोई औकात नहीं अल्लाह के कलाम के सामने। सबसे जबान को बनाओ अपने कुरान पढ़ने वाली और नमाज पढ़ने वाली, जब बनेंगे ये सब बातों से महफूज रहेंगे। अल्लाह तुम सब लोगों का इन्हें सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। और हिंदू लोग भी आयातें याद कर सकते, सब पढ़ सकते, पढ़ के देखो ना तुम्हार को भी तो उतरे आला है ना कुरान हदीसे आयाता, मुसलमानों को दहेज में नहीं मिला है, सबके वास्ते रहमतुल्लामीन बना के अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। और ये सब पढ़ सकते सिख ईसाई सब सब दुआएं याद करो, तुम भी महफूज रहेंगे, तुम महफूज रहेंगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा घर महफूज रहेगा। तुमको अगर एक सोचो ना जरा खुद पे से सोचो, अगर तुम्हारे को एक जना कोई डिस्टर्ब होगा फैमिली का, चाहे वो हिंदू रहो मुसलमान रहो सिख रहो कोई भी रहो, तो उसकी पूरी फैमिली सब लोग डिस्टर्ब हो जाते पूरी फैमिली। दूसरी बात क्या बोलते तो इतना 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 डिस्टर्ब हो जाते कि ना खाने में दिल लगता ना कमाने में लगता, किसका एक अगर फैमिली का मेंबर बीमार रहा है कुछ उन्हें परेशान रहा कोई वबा में कोई परेशानी में, तो इसलिए बेहतर है कि तुम सुकून में रहेंगे, तुम महफूज रहेंगे तो तुम्हारी फैमिली महफूज रहेगी। सब लोग आयातें पढ़ सकते, सब जात हर धर्म का पढ़ के महफूज रह सकते। याद करो हर चीज की तुम लोग अभी दुआ, दुआ हथियार है तुम सब लोगों के लिए, ठीक है। चलो रोक लो।